मौसीकी का एक बहुत बड़ा इवेंट जिसका नाम है राइजिंग स्टार्स सीजन 2। राइजिंग स्टार्स का पहला इनाम है 50,000 रुपये, दूसरा इनाम है 30,000 रुपये और तीसरा इनाम है 20,000 रुपये। I invite you to come and join the show and become a rising star. हमारे 125 के करीब लोग ऑडिशन के लिए आए थे, जिनमें से 53 हमने जिनको देखा कि ये कुछ गा सकते हैं, क्योंकि हमने रेडीमेड तो लेने नहीं। हमारा मकसद रेडीमेड लोगों को आगे बढ़ाना नहीं है। मेरी ड्रीम है अपने उन बच्चों को जिनके अंदर कुछ है, डजंट मैटर इतना सा है, इतना सा है, इतना सा है। सो हम चाहते हैं इन बच्चों को जिनके पास खुदा की थोड़ी सी बरकत नेमत है, अनपॉलिश जिसको हम कहते हैं, हमारा काम होगा, मेरी टीम का काम होगा उनको पॉलिश करना। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, तुम ऐसे दौड़ो के तुम ही जीतो। सो दौड़ में तो सारे दौड़ते हैं, लेकिन फिर जो अच्छा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, वो जीतता है। अगर एक बार आप आगे निकल जाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपने दुनिया जीत ली है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसको अपनी आखिरी जीत ना बनाना, इसको अपना पहला स्टेप बनाना। और जो पीछे रह जाए ये ना कहना कि मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो गई है। नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता आर्य और मैं हूं फैसल परवेज और हम आपको इस मेगा इवेंट में खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है राइजिंग स्टार सीजन 2। हमारी भी पूरी तैयारी है क्योंकि अब बच्चों की बारी है। जी हां, जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए एहसन जावेद का। जो आएगा तो है जान जमा।
दिलों ने है दुश्वार किया, जिनको इब्लीस की चालों ने है दुश्वार किया। आमिर सर क्या कहेंगे इसके बारे में? एहसन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा, और एक मुश्किल गज़ल थी जो इसने गाई है। इसकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बेसिकली लाइव जब हम गज़ल गाते हैं तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसने बहुत अच्छा निभाया। सिर्फ एक दो जगह थी जो अंतरा था उसमें, जब इसने वर्ड दुश्वार कहा है वो थोड़ा कम लगा था, वो मुझे टच नहीं किया। और एंड पे जब इसने अलाप किया तो हल्का सा इसका सुर जो है अलाप में थोड़ा हिला है, अदरवाइज ओवरऑल म्यूजिशियन के साथ इसने बहुत अच्छा गाया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू जी। नाज़िश जी, मैं कहना चाहूँगी कि नाइस बिगनिंग, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। बहुत अच्छा गाया आपने एहसन, लेकिन घबराहट आपके चेहरे पे काफ़ी नज़र आ रही है, जो कि गायकी में नहीं थी बट फेस पे है थोड़ी सी। क्यों? बेसिकली रिदम भी थोड़ी कम हो गई थी। क्या रिदम कम थी थोड़ी? अच्छा, गाया आपने बहुत अच्छा, बस थोड़ा लो नोट पे आपने थोड़ी मेहनत। देखिए जी, जहाँ भी जजेस होंगे कहीं पे भी घबराहट आ जाती है चेहरे पे, लेकिन गाया आपने इतना अच्छा, नेक्स्ट टाइम घबराइएगा मत, कॉन्फिडेंस के साथ गाइएगा। ऐसा आपने बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी संगत की म्यूजिशियन के साथ, बड़े अच्छे तरीके से आपके सुर बड़े अच्छे लगे मुझे। लेकिन आपका जो वॉइस की थ्रो है वो कहीं कहीं पे कम हो रही थी, और जब आप कोशिश कीजिए करें, आप सब लोग जब आप स्केल सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें आप लो नोट्स भी प्रॉपरली सिंग कर सकें और हाई नोट्स भी। जब आप लो नोट्स में आते थे तो आपकी समझ ही नहीं थी लगती आप क्या गा रहे हैं, तो प्रॉपरली आपके वर्ड्स मैं सुन नहीं पाता था तब। तो स्केल का आप खास तौर पर ख्याल रखा करें। फराज, ये आपने पहले सुना ये गीत पहले कभी किसी से? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, और मैंने भी नहीं सुना। बड़ा मुश्किल इसने गीत अपने लिए चुन लिया था। बहुत अच्छा गाया। एहसन ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब हम किसको बुला रहे हैं? अभी एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज है, बड़ी मतलब सिंपल सी, मुझे बड़ी क्लिक करती है, अलीशा उनका नाम है।
अलीशा इमरान। जोरदार तालियों में दावत देते हैं अलीशा इमरान को, वो आएंगी और अपना खूबसूरत सा गीत हम सबके साथ शेयर करेंगी। सुरीली आवाज़ थी आपकी, लेकिन ये तो अब चाचा जी बताएंगे कि आपने कैसा गाया है। तो हम शुरू करेंगे नाज़िश से। अलीशा, आवाज़ तो बहुत मीठी है आपकी, गाया भी बहुत अच्छा आपने। थोड़े से सुर का मुझे हुआ इशू, सुर आपके थोड़े बिखरे थे गीत में, वो नेक्स्ट टाइम आप मेहनत कीजिएगा उन पर। और एक बात कहना चाहूँगी कि वहाँ आपके पेरेंट्स बैठे हुए, वो बहुत क्यूट लग रहे थे, इसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे वहाँ बैठे बैठे, मतलब उसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे, तो वो बड़ा क्यूट मोमेंट था एक। तो आप ज़रूर मेहनत कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा गाया आपने। सर आमिर, जैसे नाज़िश ने कहा कि अलीशा की आवाज़ बहुत स्वीट है, मैं इसे अग्री करता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कॉन्फिडेंस भी ठीक था, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है सुर। सुर इसके काफ़ी जगहों पे ड्रॉप हुए हैं, जैसे वर्ड एक स्वामी गा रही थी वो टोटली ऑफ था, एंडिंग वाला नोट ऑफ था, तो
मैं इसलिए ये जानता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान भी मैं इसको यही इन्हीं वर्ड्स पे कंसंट्रेट करने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसने उसके बाद कितनी प्रैक्टिस की है। वही जो गलतियाँ प्रैक्टिस के दौरान हुई हैं वो आज भी हुई हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अच्छी आवाज़ है और एक दो जगह बस सुर कुछ कम लगे। मेहनत करें आगे। फराज अरेशा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे आपके सॉन्ग को मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बात रही सुर की, तो सुर काफ़ी वीक था आपको, सुर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो इतनी मीठी आवाज़ है, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है और परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत अच्छी थी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एज वेल। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है क्योंकि आप ज़ाहिर बात है कॉमेंट्स सुन रहे हो, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी परफॉर्मेंस को मैंने इन्जॉय किया, लेकिन सुर पे आपने काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इम्प्रूव करना आपने। ओके, गुड लक। तीनों ने कहा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, स्वीट है, आपको भी पता आप जानती हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है। जी फैसल, तो अभी हम किसको दावत दे रहे हैं? अभी हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी आवाज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शायद मुझे लगता है हमारे ऑडियंस या नाज़रीन सुने तो वो और हमारे जज सुन के बताएंगे वो है भी कि नहीं। अरूज परवेज उनका नाम है, जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए अरूज परवेज का। अरूज आइए और अपनी खूबसूरत सी आवाज पूरी दुनिया को सुनाइए और छा जाइए। माफ करी
वाकई फैसल मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा था आपने, बहुत ही पावरफुल आवाज है इसकी। अरे मैं तो हर बार कहता हूँ, लेकिन जजेस से भी तो जानना है ना, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। फराज नैयर, आप बताइए मेरी बात किस हद तक सच निकली है। Amazing voice, बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा सर हिला रहा है। और एंड पे आपने एक एक सुर आपने लगाया था जब आप हाई नोट पे आप लेके गए थे एंड में, वो बहुत अच्छे से आपने निभाया और बहुत अच्छी मुझे आपकी परफॉर्मेंस लगी। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। एक बार दोबारा लगवा लें हम इसे, है ना, एक बार लगाइए जी एंड वाला वो जो हम सबके लिए एक बार जोर फिर से। तन ओनु आखो सारे ओ पुत्र रहमान दे, उमरा दे रोग मिटा देंदा, दुख दर्द जिस्म दिया पीड़ा नु आसा लेके। म्यूजिशियंस की फीलिंग्स को समझ सकता हूं, उनको बड़ा मजा आया इस पे, है ना। यस, दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज रियली गुड। और मैं जरूर चाहूंगा कि मैं आपकी वॉइस किसी गीत में यूज करूं। क्या बात है जी, फराज नैयर के साथ यही गीत मिल गया। ये देखा, हमारे इस प्रोग्राम का, इस कंपटीशन का जो मकसद था वो पूरा होना शुरू हो गया। देखिए बड़े बड़े नामों के साथ हमारे जो आने वाले, खैर मेरे बहन भाई हैं, छोटे बच्चे नहीं कहूँगा, ठीक है, हमारे बहन भाई हैं, ये भी हमारे साथ ही चमकेंगे। आप लोगों को एक पूरा ऑडियो वीडियो का मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट फादर मॉरिस की तरफ से, कैथलिक टीवी की तरफ से। जितने भी बैठे हुए हैं डिसहार्ट मत होइएगा, आज फराज ने कह दिया, कल नाजिश कह देंगी, परसों आमिर भाई कह देंगे। जी नाजिश, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, आप स्माइल करके गा रही थी, कॉन्फिडेंस के साथ गा रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आमिर भाई क्या कहेंगे? अरूज की आवाज़, जैसे नाजिश ने और फराज ने कहा कि स्ट्रॉन्ग वॉइस है, मैं इसको सेकेंड करता हूँ। वाकई इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ जो इसके अंदर मैंने देखी है कि जब ये गा रही थी तो इसकी सुर में बड़ी पकड़ थी। yes. सुर को इसने हिलने नहीं दिया और ये पूरे अपने जोश से और अपने होश से गीत को गा रही थी, जो मुझे अच्छा लगा। और बाकी जैसे इस चीज़ को मैंने भी नोट किया था, जो इसने हाई नोट लिया था वो बड़ा प्रोमिनेंट था, वो मुझे भी अच्छा लगा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। अरूज देखो, हम मैं एक बात बताऊं, इतना टाइम मैं वैसे किसी को नहीं दे रहा, लेकिन आज मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए एक चीज़ करनी चाहूँगा। कहाँ है, आओ जी जरा, एक मिनट आओ जी, ताड़ी बच्ची ने पंजाबी समझते उर्दू इसलिए पंजाबी बोल रहे हैं। जोरदार तालियां जी, अरूज की मामा आज हमारे साथ है। जो जो अच्छा गाएगा उसे हमेशा इसी तरह हम सपोर्ट भी करेंगे, उसका साथ भी देंगे। माँ जी, आपकी बच्ची ने देखे इतना अच्छा गाया कि आज पहली बार उन्होंने सुना है फराज नैयर ने, और उन्होंने इसे प्रॉमिस ही हो गया कि हम अपने गीत में गवाएंगे। फराज कोई छोटा नाम नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरी बेटी ने आगे भी यहुन्नाबाद में फर्स्ट प्राइज लिया था। अच्छा। और वो लोग कह रहे थे कि नहीं ये ना हम ले तो ले, लेकिन ये गरीब लोग हैं क्योंकि इसका वालिद नहीं है ना, इसलिए कहते हम अपने इसको ना केस्ट बनाना चाहते, लेकिन कैसेट बनाना चाहते। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उसका वालिद नहीं है ना तो उसके भाई यहाँ पे हैं, फराज भाई उसके यहाँ पे हैं, नाजिश उसकी बहन, आमिर भाई उसके, हम सब लोग इसके भाई बन के इसके दिखाएंगे, ठीक है जी। आपने परेशान नहीं होना, हमें टैलेंट टैलेंटेड लोग चाहिए, टैलेंट चाहिए, और जिसमें सच्चा टैलेंट है बिलीव मी वो आगे जाएगा। जोरदार तालियां जी, थैंक यू सो मच अरूज, बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज है, लेकिन ना उनके बारे में एक चीज कहूंगा, आप चाहे उसका टेस्ट ले लेना, ठीक है, आई कैन बेट ऑन इट के आप उसे कोई जोक सुनाओगी वो फिर भी हंसी रहेगी। रियली? आप उसे कहोगी ना, मतलब कोई भी कोई हंसी वाली भी बात करो कि पिछले कई दिनों से मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ यार, ये कभी हंस के दिखा दे, मुझे हंस के दिखा दे, हंसती नहीं है ऐसी शख्सियत। आज कोशिश करते हैं हम, जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए इवान मंचा का, और हंसते हुए आना। यसुदी हजू
जजेस से जानते हैं। फराज नेर क्या कहेंगे ईमान के बारे में? क्या हुआ, आप इतने कंफ्यूज क्यों? सर आप कुछ भी कह लें। नहीं आप देखो, आपने प्रैक्टिस नहीं दी की हुई, ठीक है, और उसके अलावा आपका सुर हिला भी इसमें काफ़ी जगहों पे। क्या हुआ, आपको परेशान हूँ? क्या हुआ, आपके फेस से लग रहा है आप बड़े टेंशन में। सर सर कुछ भी नहीं हुआ सर। वो क्या? सर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बच्चे, आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन आपका काफ़ी जगहों पे सुर हिला है बहुत ज़्यादा जी। एक दफ़ा तो आपने स्केल ही चेंज कर दिया था, तो आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है जी सर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा जी सर। जी नाजुश, ईमान आप किसी से सीखते हो? नो ईमान, आपकी आवाज़ अच्छी है तो मैं चाहूँगी कि आप सीखो किसी से जी। और घबराई हुई क्यों? आमिर भाई क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस के दौरान ईमान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, हमने इस काफ़ी मेहनत की थी। एक चीज़ जो इसके जो मैं महसूस करता हूँ वो इसके माइंड में है कि ये स्केल को फॉलो नहीं करती, ये अपने स्केल से खुद गाती है और फिर म्यूजिशंस को कहती है आप मेरे पीछे आएँ। वो सीखने से आएगा जब सीखेगा, ये उसका कसूर नहीं है क्योंकि बच्चों को मौके नहीं मिलते, उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं मिलती। तो आज की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी मुझे काफ़ी वीक लगी, काफ़ी वीक लगी क्योंकि आपका स्टार्ट ही बहुत जो था वो ऑफ था। बाकी आवाज़ क्वालिटी आपकी अच्छी है, अगर आप मेहनत करें तो उम्मीद है कि आप जी। थैंक यू। मेहनत करोगी जी? चलिए थैंक यू सो मच। अभी आपको पता है किसको बुलाना चाह रहा हूँ मैं? जी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार, मतलब कि कोई ऐसा पावर पैक परफॉर्मेंस होना चाहिए, इतना बड़ा नाम और परफॉर्मेंस ना ऐसा हो। अब मैं चाहूँगा फराज, बट नॉट नैयर, फराज सलामत, जोरदार तालियां फराज सलामत के लिए। फराज आज हमने देखा है ये आपके नाम की लाज रखता है या नहीं।
दादा जी, वेरी नाइस। एक चीज मैं बताऊंगा, फराज की और मेरी दोस्ती को तकरीबन 15-16 साल हो गए, है ना फराज? नहीं है, ऐसे ही है ना? जोरदार तालियां जी फराज सलामत के लिए। फराज आप बताइए कैसा लगा आपको? फराज, फराज नहीं है, फराज सलामत कैसा है? फराज आपकी अच्छी कोशिश है, आपने बड़ा उसमें गुम होके गाया गीत को, लेकिन आपकी आवाज़ में एनर्जी की मुझे थोड़ी सी कमी लगी और सुर आपका काफ़ी हिलता रहा, कई जगहों पे आपका आधा सुर नीचे ही रहा, मतलब कुछ इस तरह से। दूसरा आपके तलफ़ुज़ की भी कुछ मिस्टेक्स है, जैसे आपने गूंधे वर्ड जो है ना वो आपने, और भर को आप भर बार बार गा रहे थे। फराज मैं चाहूँगा अगर यहीं से आप कनेक्ट कर दें थोड़ा सा यही लाइन को हमारे इस होनहार फराज सलामत के लिए। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मुझे भर मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, वेरी गुड, बड़ा अच्छा निभाया आपने, थैंक यू सो मच। अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को दावत देंगे जिनका नाम है जेनिफर जॉर्ज। आप सबकी भरपूर तालियों में जेनिफर जॉर्ज। जो था वो जो है वो जो आने वाला जो था।
आपके जो साथ आज लोग आए हैं, आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो मोबाइल पे वीडियो ना बनाते तो ताली ज्यादा बजती, पता है आपको है? एक बार जोरदार तालियां जी जेनिफर के लिए। आमिर भाई क्या कहेंगे? जेनिफर की आवाज अच्छी है, स्ट्रांग है, अच्छा गाया इसने, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, म्यूजिक की समझ है और परफॉर्म भी अच्छा किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आज अच्छी थी आपकी। थैंक यू। नाज़िश बहुत अच्छा गाया आपने जेनिफर। थैंक यू। मुझे एनर्जी थोड़ी कम लगी, आपका सॉन्ग जो था वो एनर्जी वाला था काफ़ी, आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते थे इसमें, लेकिन ओवरऑल आपने बहुत अच्छा गाया। फराज मैयर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छी कोशिश है, आपने अच्छा गाया। वो ये है कि इम्प्रूवमेंट की हर वक्त जो है ज़रूरत होती है, तो अपना सुर पे, अपनी आवाज़ की थ्रो पे थोड़ी और मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा था। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू जेनिफर। थैंक यू। जी प्रोफेसर, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? कुछ भी पूछो। वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, तो एक सेकंड, हम यहाँ सवाल जवाब करने के लिए नहीं आए, मतलब हम तो अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटेस्टेंट हैं, इनका आज शो है, तो इनको अगला कौन है पहले हम उसको बुला लें। मुझे पता है कि हम सवाल जवाब नहीं करने हैं, लेकिन एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। ओके, पूछ लो। अच्छा, मुझे बताएं कि मज़े मज़े के खानों में क्या है? खुशबू। वेरी गुड। और परफ्यूम से क्या आती है? खुशबू। और फूलों से क्या आती है? अरे खुशबू। तो आ जाओ खुशबू और महका दो पूरे इस जहान को अपनी खुशबू। सोलह तालियों में वेलकम कीजिए खुशबू का। वेरी नाइस। तो अभी हम जजेस से जानेंगे कि खुशबू इसने कैसा गाया है,
तो सर आमिर, खुशबू की आवाज़ जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है, टिपिकल एक पंजाबी आवाज़ है, और दुराने प्रैक्टिस मैंने इसकी आवाज़ में एक खनक देखी है, इसकी आवाज़ में एक बड़ी अच्छी जानदार आवाज़ है। आज थोड़ा सा लेवल डाउन लगा मुझे बनिस्बत प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस में बहुत अच्छा गाया लेकिन आज थोड़ा सा लेवल डाउन था, अदरवाइज़ वैसे बहुत अच्छा गाया, आवाज़ तो है ही अच्छी, बाकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो नज़र आ, बाकी ओवरऑल अच्छी पर्सन। थैंक यू सो मच सर। नाजिश, खुशबू बहुत अच्छा गाया आपने, आपके हाई नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपके जो लो नोट्स हैं बेस आपका मुझे तो थोड़ा वीक लगा, और आपके सुर बेस सॉन्ग में काफ़ी जगह बिखरे हुए थे, उन पर आपको ज़रूर मेहनत करनी होगी, लो नोट्स पे स्पेशली, बाकी ओवरऑल अच्छा गाया आपने, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। फराज, खुशबू आपकी परफॉर्मेंस मुझे, ओवरऑल आपका सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा आपने गाया भी अच्छा है, गायकी भी आपकी अच्छी थी, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, और बस सुर का अब मैंने जैसे आमिर भाई ने भी जिक्र किया कि प्रैक्टिस में आपने ज़्यादा अच्छा गाया था, मैंने वो नहीं सुना लेकिन आज की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी आपकी, तो सुर की जो है वो थोड़ी आपको प्रैक्टिस सबको ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए और एंड अच्छी परफॉर्मेंस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम खुशबू, आपने मेहनत करनी है, जैसे जजेस ने बताया आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आवाज़ बहुत अच्छी है, आपने जो वीक एरियाज हैं उन पर मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी तो फैसल, अभी हम किसे दावत दे रहे हैं? बड़ी खूबसूरत सी आवाज, बड़ी छोटी यंग उम्र और इतना टैलेंट और इतनी सूदिंग एंड स्वीट वॉइस, ये तो सुननी पड़ेगी। निमरा जावेद के लिए जोरदार तालियां, आइए जी। Yeah.
किससे जानना चाहोगी? देखो मैं तो मतलब बहुत रोंगटे से खड़े हो गए हैं, किससे जानना चाहोगी, किसे पूछे सबसे पहले? कोई भी। कोई भी? बाहर से पूछ रहे हैं। किसे पूछे बता? नाम नहीं आता, मैं बुला दूं, मैं कहूं? तो वैसे कहते इस भाई से, इस बहन से? मैम से। जी नाज़िश क्या कहेंगी? निम्रा वंडरफुल, इतना हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस था आपका और इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ थी और गाया भी आपने बहुत अच्छा। थोड़ा सा बस हाई नोट्स पे अगर आप मेहनत करो ना तो और ज़्यादा अच्छी हो सकती हो, लेकिन आज का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन था। जी वेरी नाइस, वंडरफुल। फराज भाई आप बताइए। आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं तो गुम हो गया था आपकी गायकी में, आपके गीत में मैं गुम हो गया था। अब बस जब पहली दफ़ा आपने, जब इसका पहला अंतरा जब आपने गाया, तब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, आपके सुर भी बहुत अच्छे थे, कंट्रोल भी था। उसके बाद आपने दूसरा अंतरा जब इसका गाया तो तब आपकी वॉइस थोड़ी वीक हो गई थी। वो किस वजह से? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हाई नोट्स पे। जब आप सेकंड टाइम आप हाई नोट्स पे गए तो फिर आपका गला थोड़ा चोक हो गया ना, इसी वजह से ना? हाँ जी। हाँ, लेकिन आपकी आवाज़ में बहुत दम है और आपकी वॉइस में इतनी फील है कि मैं उसमें गुम हो गया था। तो ऑल द बेस्ट और रियाज कीजिए। थैंक यू। आमिर भाई क्या कहेंगे? नो डाउट, निम्रा की आवाज़ में एक फील है, इसकी जब ये गाती है तो इसकी आवाज़ टच करती है। आज की इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस से इसने अच्छा गाया, आज बहुत अच्छा गाया। दो तीन चीज़ें हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, लेकिन अगर उसमें से एक जो डर है वो निकल जाए तो शायद आपकी आवाज़ में और जो है वो जो टचिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा आ जाए, वो फीलिंग्स और आ जाए। आप बहुत घबराई हुई थी और मैं जानता हूँ कि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी उनके साथ, आपको डर था कहीं से गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वो नेचुरल है। लेकिन अगर आप अपनी आवाज़ के अंदर से ये डर को निकाल लें तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट आवाज़ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।